मनोज भाई वापस कर अरे रुक ना अरे मेरे को नहीं पता यार दे इसको नहीं इधर का क्या सर इधर देखिए इधर सब अनमो ही लोग सेंटर सर सेंटर थोड़ा सा राइट या स्ट्रेट ही है सर राइट सर राइट वही बोल रहा हूँ ना उसके लिए मैंने वाइट रखा था भाई और कुछ मतलब नहीं था टाइम आड़ी आओ सर वो साइड से देखिए ना सर अरे वो लोग उचित तरह हमारा इधर सर हो गया सर आइए 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 सर आइए सब लोग आपके लेफ्ट में दूसरा कैमरा दुकान इसके लिए सर इधर दिखाते हुए सर अरे सर एक मिनट रुको यही तो फोटो है सर रुको सर एक मिनट होल्ड करो सर सर होल्ड करो एक मिनट वापस वापस एक बार खिलाओ ना सर एक बार वापस खिलाओ ना सर प्लीज सर सर वापस खिलाओ एक बार प्लीज सर एक्शन तो कर दो एक बार हमारे लिए पे एक्शन हां एग्जैक्टली आज कोई में नहीं है आने वाले आप खिलाओ सर आप भी लोग एक हाथ में एक दूसरे को और एक्शन इधर कीजिए कैमरा अरे रुक बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया 9 करोड़ है 9 करोड़ और कमाएगी आपकी पिक्चर बस क्या बात है एक फोटो हो रहा है क्या करोगे
ये रुकना वो लोग कर रहे ना या बस सर ये सर स्टेट से सामने आते सर अलग ही अभी दूसरा कैमरा सर यस थर्ड ईयर सर सर फोर्थ सर फिफ्थ सर थर्ड ईयर सर सर यस सर सही सर स्टेट सेवन सर गुलदस्ता लेके बैठ गया अरे इनको नहीं रोलिन करण और सर आपसे भी जानना चाहेंगे पहले जो होता था सक्सेसफुल वीकेंड का इंतजार होता था कि फिल्म किस तरह से रिस्पॉन्स करने है किस तरह लेकिन अभी कल ही फिल्म रिलीज हुई और आज सक्सेस पार्टी मनाई जा रही क्या कहना चाहेंगे सक्सेस पार्टी नहीं मना रहे हम लोग ओपनिंग की खुशी मना रहे जी आपने शायद सुना होगा 9.72 करोड़ उसका ओपनिंग डे सक्सेस पार्टी बकायदा होगी और जरूर होगी लेकिन एक हफ्ते के बाद बहुत मुश्किल काम है और भगवान की दया है विशाल ने कमाल का काम किया है हम सब ने भूषण जी और बेसिकली इसकी दया है इसकी दया है नहीं मैंने सुना कोई और भी इसकी गर्लफ्रेंड दया आदमी है आपने वो न्यूज़ पढ़े शायद उन्होंने नहीं लिखे बट देर आर मेनी क्रिटिक्स चाहे FM पे हो या चाहे न्यूज़ पेपर हो दे हैव गिवन अ रियली गुड रिव्यूज एंड चाहे ऑनलाइन रिव्यूज़ हो सब ने अच्छा लिखा हुआ है एंड आई थिंक मुझे एक चीज़ पता है कि लाइक जो ऑडियंस को जब मूवी देखनी होती है वो देखती है जो नहीं देखनी होती है वो नहीं देखती बट आई थिंक ऑल ओवर जहाँ जहाँ प्रमोशन में गए सभी लोग को था कि लाइक जितना उनका मैंने हम लोग ने प्यार देखा मूवी की तरफ वो तो पहले से था कि लाइक दे आर ऑलरेडी अटैच टू द फिल्म एंड वो जब देखा था वो आज उन्होंने कल उन्होंने प्रूव कर दिया कि जैसे उन्होंने ट्रेलर को प्यार किया प्यार दिया था सॉन्ग को दिया था उतना ही प्यार उन्होंने कल मूवी को दिया जितना इम्पोर्टेंट सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए बहुत 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 अहमियत रखती है फिल्म और इसकी ओपनिंग और बहुत अच्छी तरह से ओपनिंग हुई है तो दैट इज़ व्हाई हम लोग यहाँ पे केक काट रहे हैं और उछल कूद रहे हैं सर वैसे तो आपने अलोन भी किया लेकिन आपको ये लगता है कि ये फिल्म आपको रियली मतलब फिल्म स्टार्ट करने में मदद करेगी जी अभी अलोन जाके एक साल हो गया आई थिंक हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अभी हेट स्टोरी का रिलीज का सेकेंड डे है और बहुत अच्छी कर रही है फिल्म तो आप जो गुजरी बातें हैं उसको भूल जाइए फिल्म तो फिल्म इन टोटालिटी के हिसाब से करते हैं और कैरेक्टर को भी प्यार मिलता है जब फिल्म वर्क होती है और थैंकफुली थैंक्स टू द ऑडियंसेस थैंक्स टू द ऑलमाइटी वी गॉट ग्रेट रिस्पांस एंड आई एम एक्सट्रीमली प्लीज्ड विशाल हेट स्टोरी 4 के प्लान्स प्लान्स ऑलरेडी शुरू हो गए बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी अगर जो हेट स्टोरी थी जो बनी है जिस जो एक्टर मेरे साथ है या जिस हम लोगों ने जिस तरह से बनाई प्रोडक्शन वैल्यू और जिस तरह प्रमोशन हुआ है ये शायद भूषण कुमारी है और टी सीरीज़ हो है इसीलिए हुई है आई थिंक दूसरा कोई शायद होता तो ऐसी इस तरह से मूवी बनती नहीं थी और जिस तरह प्रमोशन हुआ है तो आई थिंक और रही हेट स्टोरी 4 की बात वो बनने वाली है अगले साल मे बी विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर एंड के थोड़े लोग इसमें डाइजेस्ट कर ले हेट स्टोरी 3 के जो जो मैंने कुछ सीन्स दिखाए डायलॉग बताए उनको एक साल तो चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए वरना इतना मैं दूंगा तो शायद वो लोग पता नहीं क्या क्या कर बैठेंगे तो प्लानिंग है बट उसके पहले और एक फिल्म और आई जो मैं भूषण जी के साथ कर रहा हूँ एंड उसके बाद आई स्टार्ट विद हिज स्टोरी 4 जी सर आपकी बेटी का क्या रिस्पांस है क्योंकि हमने सुना था ट्रेलर देखने के बाद वो काफ़ी यू नो नाराज़ भी हो गई थी आपसे फिर आपने उसको मनाया भी अब क्या रिस्पांस है उसकी फिल्म देखा उसके कुछ नाराज़ और मनाया और इतनी लंबी कहानी नहीं थी छोटी सी कहानी थी छोटी सी बच्ची है वो उसको थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई लेकिन वो समझती है कि उसके फादर एक एक्टर है एंड इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ हिज जॉब ओके करण अगर बात करें आपका नेगेटिव रोल फर्स्ट टाइम लोगों ने इसको भी काफी पसंद किया तो आपको क्या कहना है
मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने किया अगर सबको पसंद आया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. तो आपने जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे वो रिस्क लेने के वो सब आंसर हो गए. लास्टली विशाल पूछना चाहूँगा, रीज़न क्या एक्सेप्टेंस का, मतलब स्टोरी है, सॉन्ग सिडक्शन है, क्या है? सब कुछ, सब कुछ आपने खुद बोल दिया. स्टोरी है, सॉन्ग है, सिडक्शन है. आंसर भी आपने दे दिया कि स्टोरी है, सिडक्शन है, सिडक्शन है, सॉन्ग है, परफॉर्मेंस है, और पैकेज ऑफ आई मीन जो टी सीरीज का पैकेज है पूरा जो इन्होंने, आई रियली वांट टू थैंक द टी सीरीज प्रमोशन टीम जिस तरह से उन्होंने ये मूवी को प्रमोट किया है. तो आई थिंक ऐसे कोई भी कोई चीज़ भी उन्होंने नहीं छोड़ी कि लोग एक्सेप्ट ना कर सके, इसीलिए आई थिंक एवरीवन इज एक्सेप्टिंग द वे इट इज नाउ. ओके शर्मन एंड करन, आई हैव क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू. डेजी और जरीन नहीं है तो आप उनको कितना मिस करते हैं? नहीं कुछ नहीं, हम लोगों ने अभी उनको पब्लिसिटी से बाहर कर दिया. उनका काम हो चुका है, अब करण और मैं संभालेंगे. प्रमोशन कंटिन्यू चालू रहेगा मंडे से साथ में जी. क्यों इधर ही हम कह नहीं रहे हम करण, प्रमोशन और भी आगे होगा जी? प्रमोशन है आगे, क्या क्या होने वाला है ये हमें इस वक्त पता नहीं है, मैं जरूर बोल रहा हूँ. बॉलीवुड में नहीं, मैं कोई लायक नहीं है. क्या जी मतलब आप फिर से ये सीन ऐसे? हम अपना काम सीन्स के हिसाब से चूज नहीं करते और ना ही एक्ट्रेसेस के हिसाब से. क्या तो मैंने भी अपनी तरफ से बता दिया कि हम लोग ऐसे चूज नहीं करते हैं काम एक्ट्रेसेस और सीन सोच के. थैंक यू.